हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्वादिष्ट रेसिपी में। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक बहुत ही चटपटी टेस्टी न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। जी हाँ दोस्तों, तो इस रेसिपी को देखने के लिए मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे मेरे सभी नए वीडियोज़ को देखने के लिए। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना नहीं भूलें। तो आइए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं कच्चे कैरी के खट्टे मीठे पापड़, जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ कैरी लिया है, जिसे मैं अच्छे से वॉश कर ली हूँ और अभी हम इसे पील करेंगे और छोटे छोटे पीसेज में चॉप कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे पील कर रही हूँ और पील करने के बाद इसे छोटे छोटे पीसेज में चॉप कर लेंगे ताकि आसानी से जल्दी से सॉफ्ट हो जाए बॉयल करने पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे कैरी को काट लिया है, आप देख सकते हैं प्लेट में मैं रख ली हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो मैंने गैस पर एक बर्तन में पानी रख दिया था, जो कि बिल्कुल फ्रेश वाटर है, और इसमें मैं डाल दूँगी ये कैरी कटा हुआ। और गैस का फ्लेम मेरा ऑन है, पानी ऑलरेडी थोड़ा गर्म है। अभी हम इसे बिल्कुल लो मीडियम पे इस कटे हुए कैरी को 5 से 7 मिनट तक पकाएँगे। 7 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये कैरी जो है थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे छान लेंगे। तो मैं इस कैरी को छानने के लिए इस तरह का एक बर्तन ली हूँ, जिसमें मैं इसको छान रही हूँ, इसका पानी अच्छे से स्ट्रेन हो जाए। और हाँ, ध्यान रहे कि जिसमें हमने कैरी को जिस पानी में बॉयल किया है उसको बिल्कुल मैं साफ़ पानी ली थी, पीने वाला पानी मैं यूज़ की थी, जिससे उस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, उससे हम आम का पाना बनाकर तैयार कर लेंगे। ये पानी हमारे लिए बहुत ही हेल्दी है, उसे फेंकना नहीं है। मैं उसे थोड़ा सा नॉर्मल कर फ्रिज में रख दूँगी इसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने के लिए। तो फ्रेंड्स, जब बॉयल की हुई कैरी ठंडी हो जाए अच्छे से तो उसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसका एक फ़ाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसका बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनाना है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हमें जिस बर्तन में इसे पकाना है उसी बर्तन में इसे छान लेना है। इस तरह का एक छानने वाला लेंगे और इसको छान लेंगे इस तरह से एक स्पून की हेल्प से, ताकि जो भी इसके वेस्टेज हो वो निकल जाए, जो भी बड़े बड़े टुकड़े रह गए हो वो निकल जाए, क्योंकि हमें पापड़ जो है खट्टे मीठे पापड़ को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनाना है। तो इस तरह से मैं छान लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे छान लिया है और ये देखिए इसके जो बड़े टुकड़े हैं उसको मैंने निकाल दिया है, तो बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हमारा मिल गया है। अब हम इसे कुक करेंगे, तो गैस का फ्लेम ऑन करेंगे बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे, कंटिन्यूसली स्टर करते हुए इस कैरी के पल्प को अच्छे से पकाएंगे। तो जब 2 से 3 मिनट तक अच्छे से ये कैरी का पल्प जो है कुक हो जाए, उसके बाद से हमें इसमें ऐड करना है चीनी यानी शुगर। तो ये पल्प एक कप के मेजरमेंट से 1 कप छानने के बाद निकला था, तो उसी अकॉर्डिंग हम इसमें चीनी डालेंगे। तो मैं यहाँ पर 1/4 कप चीनी डाल रही हूँ, आप कम या ज़्यादा चीनी को एडजस्ट कर सकते हैं अपने स्वीटनेस के अकॉर्डिंग। और 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम डाल देंगे इसमें ब्लैक सॉल्ट। अगर आप ब्लैक सॉल्ट नहीं डालना चाहते हैं तो आप उसे भी स्किप कर सकते हैं। और अभी इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, इसका थोड़ा सा चटपटा टेस्ट देने के लिए, उसे भी आप स्किप कर सकते हैं, आप सिर्फ मैंगो पल्प और चीनी से भी बना सकते हैं इसे। अब मैं थोड़ा सा इसे अच्छा कलर, ग्रीन कलर देने के लिए मैं यहाँ पे ग्रीन फूड कलर का यूज कर रही हूँ। फूड कलर डालने के बाद इसे बहुत ही अच्छे से स्टर करेंगे और कलर डालने के बाद इसका कलर जो है ना बहुत ही प्यारा आता है, बिल्कुल कैरी के कलर का आता है, तो बहुत प्यारा दिखता है ये। तो आप कलर ज़रूर इसमें यूज करें। और ये मैं ब्लैक पेपर पाउडर डाल दे रही हूँ, सबको अच्छे से स्टर करूँगी और लो मीडियम फ्लेम पर इसे तब तक कुक करेंगे जब तक ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। तो टोटल मैंने 5 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे अच्छे से कुक किया है स्टर करते हुए। अब एक प्लेट लेंगे, उसको पलट कर उस पर इस मिक्सचर को डालेंगे और इस तरह से जब प्लेट को खड़ा करेंगे ना, तो ये जो बैटर है इसका मिक्सचर जो है वो गिरेगा नहीं। आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने इसे डाला था वहीं का वहीं है, तो इसका मतलब है कि ये तैयार है पापड़ बनाने के लिए। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक स्टील का ट्रे, आप देख सकते हैं ट्रे को पलट देंगे, उसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है। अब हम इस जो हमने मिक्सचर तैयार किया है कैरी का,
उसको इसके ऊपर डालेंगे। तो आपको पापड़ कितना मोटा कितना पतला रखना है उसके अकॉर्डिंग उतना ही आप मिक्सर डालें। तो मैं थोड़ा ट्रांसपेरेंट पापड़ बनाऊंगी तो थोड़ा सा कम मिक्सर डालूंगी और इसे बिल्कुल पतला फैलाएंगे इस स्पैचुला की हेल्प से। ये देखिए इस तरह से मैं इसे फैला रही हूँ। सेम प्रोसेस से बचे हुए मिक्सर को भी किसी प्लेट को पलटकर उस पर अच्छे से फैला दें। इसको पलटकर सुखाने से क्या होगा ना कि आसानी से निकल जाएगा। अब ये देखिए मैंने इसे धूप में रख दिया है, 3 से 4 घंटे तक धूप में अच्छे से इसे सूखने देंगे। अब हमने जो पानी बचाया था ना जिसमें हमने बॉयल किया था कैरी को, उससे हम शरबत बनाकर तैयार करेंगे। तो इस पानी को हम डाल देंगे ग्राइंडर जार में, साथ में डाल देंगे थोड़ा सा चीनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा खड़ा जीरा और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, 3 से 4 ब्लैक पेपर डाल देंगे और इन सबको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ, सबको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं आपस में। अब हमें क्या करना है ना कि जो मैंगो पल्प जिसमें हमने पकाया था पापड़ के लिए उसमें थोड़ा सा उसका मिक्सर बच गया है, तो क्या करेंगे थोड़ा सा जो हमने आम कैरी के पानी को जो हमने ग्राइंड किया है उसे क्या करेंगे उस पैन में डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो भी उसके तले में लगा है साइड्स में लगा है वो अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाए और इस शरबत का टेस्ट और भी बढ़िया आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स पैन का पानी निकालकर मैंने फिर से उसे ग्राइंड कर लिया था एक बार ताकि सारे इन्ग्रीडियंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसे ग्लास में निकाल रही हूँ और ये बहुत ही टेस्टी हेल्दी हमारा ये कैरी का शरबत बनकर तैयार है। और गर्मियों के दिन में तो इसे ज़रूर पीना चाहिए लू से बचने के लिए। तो ये सर्व कर दिया मैंने, इस पर मैं डाल दूँगी थोड़े से आइस क्यूब। ये देखिए अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स 4 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि पापड़ जो है बहुत ही अच्छे से सूख गया है। मैं आपको उंगलियों से टच करके दिखा रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है उंगलियों में। तो धूप बहुत ही तेज़ थी इसके कारण पापड़ जो है मेरा जल्दी सूख गया। अगर धूप ना हो तो आपको पंखे में कम से कम पूरा होल नाइट के लिए इसे छोड़ दे ताकि अच्छे से पापड़ सूख जाए। तो ये देखिए चाकू से भी अच्छे से निकल जा रहा है, आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए साइड से हल्का हल्का नाइफ से निकाल देने के बाद ये पूरा अच्छे से निकल जाता है। ये देखिए अब मैं इसे पीसेज में चॉप कर लूँगी, इसे मैंने काट लेंगे। तो जितना बड़ा जितना छोटा रखना चाहते हैं पीस उसके अकॉर्डिंग आप इसे कट कर सकते हैं। इसे मैं कट करके और फिर रोल कर ले रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से रोल हो जा रहा है, बहुत ही अच्छे से पापड़ हमारा उसका मिक्सचर भी तैयार हुआ था और ये जल्दी सूख भी गया है। तो बहुत ही टेस्टी हमारा ये पापड़ कच्चे कैरी का खट्टा मीठा पापड़ जो है बनकर तैयार है। इसी तरह से मैं सबको रोल कर लूँगी और ट्रे का जो है पापड़ का मिक्सचर उसको भी काट लेंगे। फ्रेंड्स ट्रे पे जो मैंने मिक्सर डाला था उसे भी मैं काट ले रही हूँ। अब देख सकते हैं कितने आसानी से कट जा रहा है और आसानी से निकल भी गया है। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कितने साइज़ का पापड़ रखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कच्चे कैरी का खट्टा मीठा पापड़ बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी बना है। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।